Good morning students, this is your computer book and today I will explain you chapter number 4 uses of computer. In this lesson you will learn about first point is mein, computers are used everywhere and second point computers helps us in many ways. Computer har jagah pe use hota hai and kis tarah se apan isko use karte hain. Computer is a very useful machine. As we all know, computer जो है अपने लिए बहुत useful है. You see computers in schools, homes, offices, hospitals and several other places. अपन देखते हैं schools में, homes में, offices में, hospitals में computers use होता है. Okay, look at this picture. यहाँ पर picture देखिए आप. At home, schools, in shops, in offices, इन जगहों पर कंप्यूटर्स अपन यूज़ करते हैं. अब अपन देखेंगे कंप्यूटर्स इन जगहों पे कैसे यूज़ होता है. नाउ टर्न द पेज. इन स्कूल्स इट हेल्प्स योर टीचर्स वाइल टीचिंग. ये टीचर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है. टीचर्स इससे आप लोगों को पढ़ाती है. नेक्स्ट द कंप्यूटर हेल्प्स योर टीचर्स टू प्रिपेयर द रिपोर्ट कार्ड. टीचर्स इससे क्या करती हैं, रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर करती है. नाउ टर्न द पेज. इट हेल्प्स यू टू ड्रॉ एंड कलर अ पिक्चर. कंप्यूटर के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, इसमें पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें कलर कर सकते हैं. नेक्स्ट एट होम. अपन अब देखेंगे अपन घर पे कैसे यूज़ कर सकते हैं. इट हेल्प्स यू टू प्ले गेम्स. सेकेंड पॉइंट इट हेल्प्स यू टू डू होमवर्क. घर पे अपन इसमें गेम्स खेल सकते हैं और होमवर्क कर सकते हैं. नाउ टर्न द पेज. इट हेल्प्स यू टू लिसन टू म्यूज़िक एंड वॉच योर फेवरेट मूवीज़. कंप्यूटर के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, इसमें गाने को सुन सकते हैं और अपनी फेवरेट मूवीज़ देख सकते हैं. नेक्स्ट इट हेल्प्स यू टू परचेज आइटम फ्रॉम होम. जब अपन को घर से ही कोई ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो अपन घर बैठकर कंप्यूटर के थ्रू अपन परचेज कर सकते हैं. नेक्स्ट इट हेल्प्स यू टू राइट पोएम्स और स्टोरीज. कंप्यूटर के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, इससे पोएम लिख सकते हैं, स्टोरीज लिख सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट अ कंप्यूटर helps your parents to calculate monthly expenses. कंप्यूटर के थ्रू पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, अपनी मंथली एक्सपेंसेस को कैलकुलेट भी कर सकते हैं. ओके नाउ नेक्स्ट इन अ शॉप. अपन अब देखेंगे शॉप पर कैसे यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर्स को. फर्स्ट पॉइंट है इसमें अ कंप्यूटर helps shopkeepers to prepare bill. इसके थ्रू क्या कर सकते हैं अपन, prepare a bill, bill अपन prepare कर सकते हैं. It helps them to maintain record of stocks, prices and sales. अपन पूरा record रख सकते हैं इसमें, पूरा record को maintain कर सकते हैं और save करके रख सकते हैं अपन. नाउ इन ऑफिसेज. अपन अब देखेंगे ऑफिसेज में कैसे यूज़ होता है. अभी तक अपन ने देखा स्कूल में कैसे यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स को एंड शॉप पर कैसे यूज़ होता है. अब अपन देखेंगे ऑफिसेज में कैसे यूज़ होता है. फर्स्ट पॉइंट है अ कंप्यूटर हेल्प्स इन टाइपिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट. कंप्यूटर के थ्रू अपन टाइपिंग कर सकते हैं और कोई भी डॉक्यूमेंट को अपन प्रिंट कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इट हेल्प्स इन सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस. कंप्यूटर के थ्रू अपन मैसेज सेंड और रिसीव कर सकते हैं. अपन का मैसेजेस भेज सकते हैं और अपने पास मैसेजेस आ सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ. ऑल यू हैव टू डू रीड दिस चैप्टर केयरफुली. थैंक यू.